आमला मुंसिफ कोर्ट के बाहर बने वकीलों के चैम्बर को हटाने का नगर पालिका ने दिया नोटिस। आमला नगर पालिका आमला अधिशासी अधिकारी राजेश सक्सेना द्वारा मुंसिफ कोर्ट के बाहर अधिवक्ता अधिवक्ताओं के द्वारा नगर पालिका की भूमि के चैम्बर के निर्माण को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है और नोटिस में कहा गया है उक्त निर्माण को हटा लिए जाए, अन्यथा नगर पालिका उसे हटा दे। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी तहसील दिवस में ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा उक्त भूमि नगर पालिका की नहीं है, न्यायपालिका की। पिछले 40 वर्ष से लगातार वहां पर बैठ रहे हैं। नगर पालिका द्वारा दिए गए नोटिस गलत बताया है। सर, आज अधिवक्ताओं द्वारा मुंसिफ कोर्ट के सामने जो अवैध रूप से चैम्बर बने हुए हैं उसके संबंध में नगर पालिका द्वारा क्या कार्रवाई? इस संबंध में अपने जिले से सीजीएम महोदय के द्वारा कोई जांच वाच में करेंगे। जांच कराने के बाद उन्होंने आईजीएम साहब को निर्देशित किया होगा, तो आईजीएम साहब ने नगर पालिका से उसकी जांच करवाई और जांच में वहाँ नगर पालिका है, तो नगर पालिका ने इसलिए नोटिस जारी किए। उसके तोड़ने के उसे तोड़ा जाएगा। सर, तहसील दिवस पर अधिवक्ता द्वारा आज आईजीएम साहब के लिए ज्ञापन भी दिया गया इस संबंध में, उसके उसमें आईजीएम साहब से भी इस बात में हम संपर्क करेंगे, बात करेंगे, वार्ता करेंगे उनसे, प्रशासन क्या कहता है, क्योंकि वकील भी वही, अधिवक्ता भी एक जिम्मेवार लोग हैं, वो भी इस संबंध में आईजीएम साहब से भी बात करी जाएगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई ठीक ऐसे एकदम कार्रवाई होगी। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।